नमस्कार मित्रों, साधुवाद सभी लोगों का। मैं जोशीला सत्यप्रकाश सक्सेस पावर में पुनः आप लोगों से आज वर्णमाला की अंतिम कड़ी को लेकर हाजिर हूँ। थ्योरेटिकल अंतिम कड़ी है, प्लस साहित्य भी रहेगा इसमें कुछ इंक्लूड करके, और क्वेश्चन वाइज भी कुछ आज कराएंगे आप लोगों को। जल्द ही हम इसका पीडीएफ भी बनवाने जा रहे हैं, पीडीएफ के द्वारा आप क्लास के टेस्ट होंगे, ठीक है। ज़रा इस पर आके कर दो, ठीक है। तो जितने लोग हैं सभी लोग वाचिंग में आ जाए मित्रों, जो भी हों। आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, साहित्य हम शुरू से बोलते हैं, वर्णमाला और साहित्य साथ साथ लेके चलते हैं, वर्णमाला और साहित्य साथ साथ। पहला ही क्वेश्चन साहित्य का पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा है एसआई में, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कितनी बार अज्ञेय जी के इस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला। पहला ही क्वेश्चन है 1968, 1972, 1978, 1982 किस सन में मिला। ए बी सी डी आंसर दें जल्दी सभी लोग। नीचे का नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ऊपर कर देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन 1968, ए बी 1972, सी 1978, डी 1982। ऑप्शन इधर है, आंसर दें। जितने लोग वाचिंग में हैं सभी लोग वाचिंग में आ जाए। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी के इस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मित्रों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। राजेश यादव गुड मॉर्निंग सर, अमरजीत यादव गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत है, सभी का गुड मॉर्निंग जितने लोग हैं। और आंसर सुशील यादव 1978, अमरजीत यादव गुड मॉर्निंग, सचेंद्र जी गुड मॉर्निंग, सभी लोग वाचिंग में आ जाए। सुशील यादव जी सभी लोग गुड मॉर्निंग। व्रत है, थोड़ा साफ लेते आना, अंदर से कह देना सर है, बृहस्पति व्रत है, बोल देना अंदर से मग लेना। गुड मॉर्निंग अमरजीत यादव, सुशील यादव 78, सचेंद्र यादव, सुशील यादव जी एक बार लाइक एंड शेयर करें सभी लोग, और आंसर दें सभी लोग। आते ही मान इसका आंसर दें कि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी की रचना है, किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है मित्रों, किसकी, अज्ञेय जी की रचना है, और इस पर कौन सी कृति मिली, इस पर उनको कौन सा, किस सन में पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बहुत इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। सुशील यादव जी सर आप कैसे हैं, बिल्कुल सुशील जी मैं सकुशल हूँ। सुशील यादव आपका घर कहाँ है भाई, सुशील यादव जी हमें आई थिंक लग रहा है आप हमारे शिष्य हैं, पुराने पढ़ चुके हैं। सुशील जी, राहुल सिंह जी बिल्कुल सही है, सभी लोग ध्यान दीजिए जितने लोग हैं वाचिंग में, और लोग आ जाए। सचेंद्र यादव, सुशील यादव भदोही, अच्छा भदोही से है सुशील जी, थैंक यू सुशील जी। ठीक है, तो आइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, किसको मिला था,
अच्छा, मैं रेलवे भोपाल में है। बहुत सही सुशील यादव जी, अब आपको इसी में आना है। अब आप एसआई दरोगा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेलवे में है तो अब दरोगा बन जाएंगे। सुशील जी, आप हमारे ज़िले के हैं, भदोही का मैं भी हूँ। सुशील जी, मैं भी भदोही ज़िले का गोपीगंज निवासी आगे और आई हैं वहीं से हूँ। योगेश सिंह जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग योगेश जी। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन साहित्य का है, कई बार यूपी में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और वीडियो में पूछा गया है। अभी पिछला जो वीडियो बीता है उसमें आया था, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर दें मित्रों, इसका आंसर दें, कह रहा है वीडियो में आया था ये क्वेश्चन, यूपीएसआई में आया था, कितनी नावों में कितनी बार, किसकी रचना है। थैंक्स सर सुशील जी, सूर्यावा से। अच्छा सुशील जी, बहुत सही, ध्यान दीजिए। 1968, 1972, 1978, 1982, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग ध्यान दें, वाचिंग वाले जितने लोग हैं। तो मित्रों, इसका आंसर होगा कितनी नाव में कितनी बार गेंद जी की स्कृति पे ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, जो वो मिला था। सुशील जी का आंसर सही है, 1978 में, 1978 में ज्ञानपीठ मिला था। अच्छा, इसी ज्ञानपीठ से एक शुरुआत आपको हल्का सा हिंट दे दें, मैं इसी चलते चलते एक हिंट आप लोग ले लीजिए ज्ञानपीठ के बारे में, ज्ञानपीठ के बारे में कि ज्ञानपीठ क्या है, कब से है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, एक चीज मित्रों ध्यान रखिएगा, ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य का, सबसे बड़ा पुरस्कार में आता है। इसकी चार ही रचनाएं ज़्यादातर पूछती हैं, और प्रथम हिंदी में, वैसे तो इसकी शुरुआत जो है 1965 से मानी जाती है, 65 से मानी जाती है। कितने भाषाओं में दी जाती है? ये 22 भाषाओं में मिलता है, 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो 1968 में पंत जी को मिला था, हिंदी में, ध्यान रखिएगा, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पंत जी को, जो कल क्वेश्चन पूछे थे वो था चिदंबरा पे इनका प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1972 में जो मिला था दिनकर जी को मिला था, किस रचना पे मिला था मित्रों? उर्वशी पर इनको मिला था। 1978 में किसको मिला था? अज्ञेय जी को मिला था, जो अभी आप लोग आंसर दिए हैं, क्या था? कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी को इस रचना पे मिली थी। और इसी के साथ एक और हुए थे 1982 में, महादेवी वर्मा को मिला था, महिला, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कृत है 19, इनको मिला था यामा में, किस पे मिला था? यामा पे। यही चार आप लोगों से पूछता है, जब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा इसी चार के बारे में अक्सर पूछता है, कभी उर्वशी पूछ देगा, तो कभी इनकी रचना पूछ देगा, कभी समय पूछ देगा, कभी पंत पूछ देगा, कभी हिंदी। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएसआई में कन्फर्म आना है, यूपीएसआई में यहाँ से मित्रों एक क्वेश्चन, इस ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएसआई में कन्फर्म आना है, वन क्वेश्चन कन्फर्म रहता है यहाँ से, एकदम 100%। चाहे आप किसी साल का पेपर देख लें, एक क्वेश्चन इस बॉक्स से जरूर आता है, आपको इसी में से पूछतेगा 68, 72, 78, 82। हम बाद में कभी इसका भी ट्रिक बता देंगे, ठीक है। चिदंबरा पे, बिल्कुल सुशील यादव जी, बहुत सही सुशील यादव जी। सभी लोग ध्यान दें, क्लास जितने लोग हैं अपने फ्रेंडों को इन्फॉर्म कर दें, शेयर भी कर दें मित्रों, क्लास को शेयर के साथ साथ इन्फॉर्म कर दें, ठीक है सुशील जी। राहुल सिंह जी, योगेश सिंह,
सुशील यादव। तो आइए देखते हैं मित्रों, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार चिदंबरा पे इनको मिला था ज्ञानपीठ के साथ साथ। अब वर्णमाला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अगला एक क्वेश्चन और आप लोगों से आता है, एक क्वेश्चन और आप लोगों से जैसे पूछ दिया जाएगा, इन्हीं की झरना किसकी कृति है, किसकी रचना है, पंत प्रसाद निराला नवीन माखनलाल चतुर्वेदी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ए बी सी डी किसकी रचना है। इनका पूरा नाम था बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनकी टाइटल थी। किसकी रचना है, सभी लोग आंसर दे जितने लोग हैं। झरना किसकी रचना है, झरना किसकी रचना है, सभी लोग आंसर दें जो भी वाचिंग में है। क्लास को शेयर भी कर दें मित्रों, जितने लोग हैं क्लास को शेयर करें और इसका आंसर दें, झरना किसकी रचना है। झरना किसकी रचना है, इसका आंसर सभी लोग दें वाचिंग, ठीक है। सुशील जी डी, सत्येंद्र पटेल डी, सुशील बी, ये किसकी रचना है, मानवेंद्र सिंह जी सी, निराला की, निराला कर दो भाई, निराल है निराला, ठीक है। कमल वर्मा बी, कमल वर्मा बी, कमल वर्मा आज स्टाइलिश चश्मा लगा के आ गए हैं भाई, आज कमल वर्मा डीपी में अपना स्टाइलिश चश्मा लगा के आ गए हैं। राज प्रजापति गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल राज जी गुड मॉर्निंग कमल जी, ठीक है। जय शंकर प्रसाद कमल वर्मा, बहुत सही शानदार आंसर जी कमल जी का, बहुत शानदार कमल और सुशील जी का आंसर बिल्कुल लाजवाब और शानदार। सत्येंद्र यादव, ठीक है कमल यादव, कमल वर्मा। देखिए मित्रों, झरना बहुत फेमस कृति है और ये है जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद होता है, इन्हीं की रचना है। ये छायावादी रचना है, कौन सा छायावादी, विशुद्ध छायावादी रचना है, क्योंकि छायावाद में थे जयशंकर प्रसाद, तो ये छायावादी रचना है। झरना किसकी रचना है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉलीवुड एंड भोजपुरी इंटरटेनमेंट, अच्छा के एम जी, ये कौन आ गए हैं भाई, सब बॉलीवुड इंटरटेनमेंट सब इसी में आए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। अगला क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, अक्सर ये पूछ देता है, पारिजात किसकी रचना है, पारिजात, पारिजात किसकी रचना है, किसकी रचना है, किसकी है पारिजात, किसकी है, इसमें हो जाएंगे हरियोध, हरियोध, हरियोध जी की, या बी कृष्णा सोबती जी की, कृष्णा सोबती जी की, या सी 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 गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की, या डी, या डी मृदुला गर्ग की, मृदुला, मृदुला गर्ग की, किसकी रचना है पारिजात, किसका उपन्यास है, ये महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है पारिजात, किसका है, जल्दी आंसर बताएं। बहुत तेज पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड हो चुका है। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करें। सर हिंदी की पर डे 11 बजे से होती है, नहीं हिंदी की पर डे हमारे यहाँ, हिंदी की पर डे क्लास कितने बजे फिक्स है, 10 से 11 हमारी क्लास पर डे फिक्स है मित्रों, 10 बजे से 11 बजे तक पर डे, सुबह 10 से 11 हमारी क्लास पर डे रहती है, पर डे UPSI की, जिसमें साहित्य और वर्णमाला। सभी लोग आंसर दें, कमल वर्मा, कृष्णा सोबती, मानवेंद्र सिंह यादव ए, कमल वर्मा बी, राज प्रजापति ए ऑप्शन सर, अमरजीत बी,
रोहिणी सिंह, आज रोहिणी जी भी डीपी बदला बदला से लगा ली हैं, क्या बात है, आज सब डीपी अच्छा लगाए हैं भाई, बहुत बहुत सही शानदार। और इसी तरीके से और लोग आंसर दें तो बताएं, रोहिणी सिंह गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रोहिणी जी। और इसी तरीके से बाजी मारने वालों में कौन कौन बाजी मारेगा भाई, किसको हम बाजी मारवा दें जिसने सही आंसर दिया है। और इसी तरीके से मात्र दो लोग, मानवेंद्र सिंह यादव और रोहिणी, मानवेंद्र सिंह यादव और रोहिणी का आंसर सही है, ये है हरियोध के उपन्यास है, शानदार रोहिणी का पकड़, बहुत ही शानदार हरियोध का यह उपन्यास है, पारिजात महाकाव्य है। और अगर पूछ देगा कि पारिजात किसकी उपन्यास है, पारिजात उपन्यास है, पारिजात, अगर यही उपन्यास पूछ दिया कि यह उपन्यास किसकी है, और यहाँ पर ऑप्शन ए में आएगा कृष्णा सोबती, ऑप्शन ए में कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी में नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी में नासिरा शर्मा, ऑप्शन सी में शिवानी, ऑप्शन सी में शिवानी, ऑप्शन डी में मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा। अब यहाँ किसकी रचना है, उपन्यास कौन लिखा है, दोनों अंतर समझ लीजिए, दोनों का अंतर समझ लीजिए। रोहिणी का जवाब नहीं, अच्छी है, लड़की है, बिल्कुल कमल जी, कमल है, कमाल भाई आपका, बिल्कुल आंसर दीजिए, सत्यम यादव का आंसर सही है, ठीक है, सही आंसर दीजिए। सबसे लाजवाब क्वेश्चन है दोनों ही क्वेश्चन, अगर ये महाकाव्य है, महाकाव्य पूछेगा तो हरियोध का, और अगर उपन्यास पूछ दिया, इसी नाम से एक उपन्यास लिखा है, ऑप्शन है कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, शिवानी, मैत्रेयी पुष्पा, तब कौन आंसर होगा, सुशील यादव। अगर यही आपसे पूछ दिया जाए कि पारिजात उपन्यास किसकी है, तब कौन सा आंसर होगा, राज प्रजापति, कृष्णा सोबती, राज जी, अगर यही उपन्यास पूछ दिया गया तब किसका आंसर सही होगा, सुशील यादव बी, कमल वर्मा डी। कमल डीपी लगा के तुम आजकल छिटक गए हो, डीपी लगा के थोड़ा समझ जाओ, कमल समझ जाओ बालक, साहित्य की पकड़, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। सचेंद्र यादव बी, और लोग आंसर दें भाई, सभी लोग आंसर दें, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है सर, अच्छा कमल जी, ठीक ठीक ठीक, बहुत सही, आइए जल्दी आंसर दो, खटाक से आंसर दो, तुम्हारा आंसर गलत है कमल, सुधारो कमल, अपना आंसर सुधारो। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नासिरा शर्मा, बी इज राइट आंसर, बी वाले सभी सही हैं, क्योंकि 2016 में, अब गलत नहीं होगा सर, आई थिंक सर, ठीक है कोई बात नहीं, 2016 में पारिजात पर, ध्यान दीजिएगा, 2000 इससे क्वेश्चन और बनता है, 2016 में इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सा, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसको, मैत्रेयी पुष्पा को, इसी रचना पर, इसलिए यह फेमस है, उपन्यास पारिजात 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया था, कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ठीक है। और जबकि आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पारिजात महाकाव्य देगा, महाकाव्य पूछेगा, तब ये हरियोध जी की है, तब ये किसकी है, हरियोध जी की है, ध्यान रखिएगा, तब ये हरियोध जी की है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, महाकाव्य है, 1930, 1931, 1933, 1935 कौन सा रचना होगी, किस सन में आई थी, किस सन में आई है, साकेत महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ही फेमस महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है,
किस सन में साकेत आई थी, ये सब सारे क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के करवा रहा हूँ, यूपीएसआई का पेपर उठा लीजिए, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे साहित्य के क्वेश्चन मित्रों यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं, ये यूपीएसआई में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी लोग आंसर दें। कमल जी 1931 गुप्त, रोहिणी जी, सभी लोग आंसर दें, और लोग जो लोग वाचिंग हैं सब लोग आंसर दें भाई, और क्लास को लाइक कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें और इसका आंसर भी दें। रोहिणी बी, सुशील यादव 31, राज प्रजापति ए 1931 में गुप्त ने, कमल वर्मा जी ने, इस बार कमल वर्मा जी ने बैट से अपने छक्का मार दिया है लग रहा है, और चिल्ला रहा है बाउंड्री पे कि मेरा छक्का मानिए, हमें लग रहा है उसका गेंद बाउंड्री के गेंद पर यहाँ से छक्का मारा है और यहीं पे गिरा है, अब वो छक्का है कि चौका है ये डिसाइड किया जाएगा भाई, ठीक है। संजय जी बी, वीरेंद्र कुमार चश्मा लगाकर, हाँ कमल जी ठीक है, और इसी तरीके से भाई कमल को थर्ड अंपायर के द्वारा घोषित किया जाता है छक्का, थर्ड अंपायर ने घोषित कर दिया कमल के बल्ले से जो लगा गेंद वो छक्के सीमा के पार जाके गिरी। 1931 में मित्रों साकेत आई थी, 1931 में, यह एक महाकाव्य है ध्यान रखना, महाकाव्य है, किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, इससे कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। वैसे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी कल संन्यास ले लिए, कल या परसों, बड़ा दुखद सूचना थी, हम लोग सोचे थे कि उनके आईपीएल में उनका जलवा देखने को मिलेगा, लेकिन वो अपने आप को कमबैक कर लिए, सुशांत जी भी गए थे तो वो भी अपने को कमबैक कर लिए, और शायद 15 अगस्त को उनका जन्मदिन भी था, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो आइए ध्यान रखिए, सभी लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन आपके यूपीएसआई लेवल का कराया जा रहा है, वो कहीं न कहीं यूपीएसआई में आए हुए हैं, कहीं न कहीं यूपीएसआई के क्वेश्चन आपको टच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ऊ ए ओ और डी आ, आपसे क्वेश्चन पूछता है, पूछा जाता है पश्च समृत स्वर है, पश्च समृत स्वर है, आंसर दीजिए, पश्च समृत स्वर है, सभी लोग आंसर दें, पश्च समृत स्वर है। अच्छा कमल जी के लग रहा है फेवरेट खिलाड़ी है, सभी लोग आंसर दें, पश्च समृत स्वर है, कल वाला जो ग्राफ बनाए थे उसको याद कर ले दिमाग में, ये वाला 3 पाई, इसको एकदम दिमाग बैठा लो, ये अग्र स्वर है, ये पश्च स्वर है, ये वृत्तमुखी होता है गोलाकार, वृत्तमुखी होता है, ये अर्धवृत्तमुखी होता है, अर्धवृत्तमुखी होता है, यहाँ ई ई, यहाँ ऊ ऊ, यहाँ ए, यहाँ ओ, यहाँ ऐ, यहाँ औ, आगत स्वर, और लास्ट में यहाँ आ, यहाँ आ, ये है समृत स्वर, ये है अर्ध समृत, अर्ध समृत, ये है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, और लास्ट वाला है विवृत, कल इस पे डिस्टे विस्तार पूर्वक चर्चा हो गई थी, इसको प्लग लगा दो, बंद होने जा रहा है, इसका प्लग लगाओ, बंद होने जा रहा है, ठीक है, फैन बंद करके ऐसे चलो, ठीक, बताओ इसमें, तो पूछ रहा है पश्च समृत, तो यहाँ पहले देख लीजिए पश्च वाले कौन कौन है, पश्च स्वर में ये इतने हैं, अब पूछ रहा है समृत स्वर, तो पश्च समृत में कौन आएंगे, ऊ और ऊ, ऊ और बड़ा ऊ ही तो आएगा, ऊ और बड़ा ऊ पश्च स्वर है, साथ में समृत है, साथ में क्या है,
समृत स्वर है, कल इसको हम विस्तार पूर्वक बताए थे, तो यहां हो जाएगा पश्च। समृत स्वर में क्या आंसर हो जाएगा? पश्च। और ये समृत स्वर में आपको आंसर हो जाएगा ऊ। ए वाले सभी सही है, ए वाले सभी सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन यहीं पर आपको दे दिया जाए, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ इसको हटा देते हैं और इसी को लिख देते हैं पश्च अर्ध समृत स्वर है, अब आंसर दीजिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, अब आंसर दें पश्च अर्ध समृत स्वर है। कौन सा स्वर है जो पश्च अर्ध समृत स्वर में आता है? आंसर दीजिए, पश्च अर्ध समृत स्वर कौन सा है? अच्छा, बहुत सही, पीला चश्मा लगा रहे हो, जल्दी बताओ आंसर। संजय पटेल बी, कमल वर्मा सी, पश्च अर्ध समृत स्वर, पश्च अर्ध समृत स्वर। फिर से ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं, ऑप्शन इसको सही कर दे रहे हैं। पश्च अर्ध समृत स्वर, पश्च अर्ध समृत स्वर कौन सा होगा इसमें? पश्च अर्ध समृत स्वर अमरजीत जी बी, सचेंद्र यादव सी, संजय एस पटेल सी, कमल वर्मा सी, सत्येंद्र जी सी। क्वेश्चन गलत है संजय जी, अब देखिए क्वेश्चन सही है। पश्च अर्ध समृत स्वर कौन सा है? पश्च अर्ध समृत स्वर, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें कि देखिए इस ग्राफ को आप लोग ऐसे क्लियर समझ लीजिए, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। इस ग्राफ को समझ लीजिए अच्छे से तो ये अग्र पश्च वाला भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिए यार, जैसे ये है और ये है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा मध्य स्वर, यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा मध्य स्वर। पतला कैसे होगा जी, इसको पतला कर, मध्य स्वर, ये तो और मोटा हो गया, मध्य स्वर हो गया, ये हो गया अग्र स्वर, ये अग्र है, ये पश्च है, इसी को वृत्तमुखी भी कहते हैं। मैंने कल बताया था ये गोलेकार होते हैं, वृत्तमुखी है और ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, कल ही बताए थे अर्धवृत्तमुखी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएंगे समृत, ऊपर आएंगे समृत, ये हो जाएगा ई बड़ा ई, इधर हो जाएंगे ऊ बड़ा ऊ, कल ही इसको समझ लीजिए। यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगे ऐ, यहाँ आएगा अ, यहाँ आएगे औ, यहाँ आएगा आगत स्वर और यहाँ आएगा ओ, ठीक है। और ये हो जाएगा अर्ध समृत स्वर, दूसरा वाला हो जाएगा अर्ध समृत स्वर और तीसरा वाला हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर और लास्ट वाला होगा विवृत स्वर। तो अब याद लीजिए, जैसे मैंने कहा पश्च समृत स्वर, तो देखिए इसको कैसे होंगे, पश्च समृत स्वर, पश्च समृत स्वर, पश्च समृत स्वर ऊ, जैसे अग्र पहले लिख लीजिए, चार बनाइए, अग्र समृत स्वर, अग्र समृत स्वर में कौन कौन आएंगे? केवल ई और बड़ी ई, ई और बड़ी ई। अग्र अर्ध समृत स्वर, अगर अग्र लग गया है, अर्ध पूछ दिया है, अर्ध समृत स्वर, अग्र अग्र अर्ध समृत स्वर ए है, ऐसे ही अग्र अर्ध विवृत स्वर, अग्र अर्ध विवृत स्वर, इसमें कौन से आएंगे? अग्र अर्ध विवृत स्वर में यहां आएगा मित्रों आए, यहां आएगा आए, और अग्र विवृत स्वर, अगर आपसे पूछ लिया अग्र विवृत स्वर, अग्र विवृत स्वर अगर पूछ रहा है तो यहां अग्र विवृत स्वर जीरो होगा,
देख लीजिए अग्र बिब्रेश्वर कोई है, अग्र बिब्रेश्वर कोई नहीं है, वीडियो बफरिंग हो रहा है कमल जी, वीडियो ध्यान दीजिए बफर कर रहा है क्या यूट्यूब पे, ध्यान दीजिए यहां हो गया अग्र बिब्रेश्वर, अग्र अर्ध बिब्रेश्वर, अग्र अर्ध समरेश्वर, अग्र समरेश्वर, ये चीजें ध्यान रखिए अग्र होगा। जब ये अग्र के लिए ऐसे नियम होगा तो पश्च के लिए देखिए, पश्च के लिए भी तो वही नियम होगा, पश्च समृत स्वर, आप लोग बताइए क्या होगा, पश्च समृत स्वर में क्या आएंगे, पश्च समृत स्वर, पश्च समृत स्वर में क्या आएगा, पश्च समृत स्वर में क्या क्या आएगा, पश्च समृत स्वर में बताएं, आंसर दीजिए, पश्च समृत स्वर में क्या आएगा, नहीं नहीं कमल जी अभी इस पे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, इसको आंसर दीजिए, पश्च अर्ध समृत स्वर क्या होगा, आंसर दीजिए सभी लोग, अरे ध्यान दीजिए जब पश्च पूछ रहा है तो पश्च समृत स्वर क्या होगा, पश्च समृत स्वर में आएंगे उ बड़ा उ, क्लियर हो गया, उ और बड़ा उ कमल, ऐसे ही हो जाएगा पश्च अर्ध समृत स्वर, फिर अगर पूछेगा पश्च अर्ध समृत स्वर, पश्च देखिए पश्च अर्ध समृत स्वर क्या होगा, पश्च अर्ध समृत स्वर अमरजीत यादव जी ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा, बिल्कुल सही, ऐसे अगर पूछेगा पश्च अर्ध विवृत स्वर, ऐसे ही पूछेगा पश्च अर्ध विवृत विवृत स्वर, पश्च ध्यान दीजिए पश्च अर्ध विवृत स्वर में क्या क्या आएंगे, आओ और आगत स्वर, क्या क्या आएगा, आओ आओ और आगत स्वर, आगत माने बाहर से आया हुआ है, इसको आगत स्वर कहते हैं, आगत स्वर, और लास्ट बनेगा पश्च विवृत स्वर, पश्च विवृत विवृत स्वर, पश्च विवृत स्वर में क्या आएगा, आ अकेला आएगा, पश्च विवृत स्वर में आ आएगा, तो ध्यान रखिए ये अग्र पश्च लगा सकते हैं, कल हम बता चुके थे समृत स्वर में ये आएंगे, अर्ध समृत में ये आएंगे, अर्ध विवृत में ये आएंगे, विवृत में ये आएंगे, अग्र स्वर में ये आएंगे, अग्र स्वर में कौन कौन आएगा, ये अग्र स्वर है, ये पश्च स्वर है, सभी गोल बनते हैं इसलिए इनका नाम वृत्तमुखी है, ये गोल नहीं होते इसलिए अर्धवृत्त होते हैं, और ये वृत्त के कारण इसलिए इसका एक नाम और पड़ा वर्तुल स्वर, वर्तुल माने गोलाकार, और ये हो जाएगा अवर्तुल, अवर्तुल माने जो गोल ना हो, जो गोल ना हो ये अवर्तुल है, और ये मध्य स्वर है, बीच वाला अकेला एक है मध्य स्वर, तो कल इसको बता चुके थे, इसी से हम आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे मित्रों वो इसी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप लोग बताएंगे, अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आपसे अगर पूछा जाएगा पश्च विवृत स्वर अ आ आ ओ क्या होगा, पश्च विवृत स्वर, आंसर दीजिए इसमें, पश्च विवृत स्वर, पश्च विवृत स्वर में कौन सा आंसर सही होगा, वर्तुल स्वर अवर्तुल, पश्च विवृत स्वर में बताएं, पश्च विवृत स्वर कौन सा होगा इसमें, सभी लोग आंसर दें, पश्च विवृत स्वर, सत्येंद्र पटेल बी, पश्च विवृत स्वर, राजेश यादव बी, सुशील यादव बी, अमरजीत यादव डी, सत्येंद्र जी बी, देखिए क्या कह रहा है, पश्च पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये विवृत है, अग्र में तो जीरो है, पश्च में तो यही है ना, पश्च में आ और ओ, पश्च में अकेला कौन स्वर है, आ स्वर आएगा,
तो बी वाले सभी सही हैं, पश्चिम में आ आएगा, पश्चिम क्या आएगा, आ स्वर आएगा। यार कमल वर्मा कहां से गलती कर दिए, पश्चिम में आ स्वर आएगा। देखो कैसे गलती हो गया, टाइप्स लग रहा है गलती हो गया। पश्चिम कितना आएगा, आ स्वर आएगा। ऐसे ही आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा समृद्ध स्वर नहीं है, टाइप में गलत हो गया गुरुदेव, कोई बात नहीं गगन प्रताप जी, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए। समृद्ध स्वर नहीं है, ऐसा कौन सा स्वर है जो समृद्ध नहीं है, समृद्ध स्वर नहीं है। कमल जी डी, गगन प्रताप जी गुड मॉर्निंग, गगन जी कहाँ थे, अभी आ रहे हो बालक, लेट हो गए हो, क्लास एंडिंग पे आए हो, आते हैं और लोगों को बता के आते, दो चार दस लोग को लेके आते, भीड़ को लेकर आते, दौड़ के लोग को आते, जेब में भर के आते, बैग में भर के आते, दो चार लोगों को जोड़ के आते। हाँ गगन प्रताप जी, सुशील, रोहिणी, अमरजीत, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग इसका आंसर दें। इसका आंसर मित्रों क्या होगा, इसका आंसर एकदम शानदार है, इसका आंसर जो हो वो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि समृद्ध में ये तीनों आ जाएंगे, ये तीनों समृद्ध हैं, ये तीनों एक लाइन पे हैं, भीड़ लेकर आते। बिल्कुल कमल वर्मा जी, देखिए यहाँ पर प्रीवियस में इसको देख लीजिए, देखिए क्या मैंने पूछा था आपसे, मैं पूछा था क्या समृद्ध स्वर नहीं है, समृद्ध स्वर में ई ई उ आते हैं, ई उ आते हैं, तो समृद्ध स्वर में नहीं आते, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरा सही हुआ कमल जी, बिल्कुल सही हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको बहुत सिंपल में, अर्ध विवृत स्वर नहीं है, ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी आए, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी, क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा, अर्ध विवृत स्वर नहीं है, लेके आऊंगा गुरु जी। बिल्कुल गगन जी, अगला आंसर दीजिए, सभी लोग अगला आंसर दीजिए, कमल वर्मा सभी लोग आंसर दें, अर्ध विवृत स्वर नहीं है, ऐसा कौन सा स्वर है जो अर्ध विवृत स्वर नहीं, उस ग्राफ को बना लो, एसआई में यहां से एक क्वेश्चन अनिवार्य आएगा, सभी लोग ध्यान दे दें, यूपीएसआई में यहाँ से दो क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये वर्णमाला का सबसे टफेस्ट में आता है और यूपीएसआई से दो प्रश्न अकेले इसी से पूछ लेता है, समृद्ध अर्ध समृद्ध, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको मिस ना करें सभी लोग, बहुत शानदार तरीके से आंसर दें, बहुत ही अनिवार्य चैप्टर ये है वर्णमाला का, जो एक बार ग्राफ को समझ लेगा उसके लिए एकदम ये कुछ नहीं है, और जिसने ग्राफ नहीं समझा उसके लिए ये क्वेश्चन एकदम पहाड़ की तरह रहेगा, सब तुक्का मारेंगे। ए वाले सभी सही हैं, ए वाले सभी सही हैं, इसमें देखिए कह रहा है अर्ध विवृत, ये तीनों जो हैं वो अर्ध विवृत स्वर हैं, ये तीनों क्या हैं, अर्ध विवृत स्वर हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत आराम से दे दीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल कमल जी, मज़ा तो अभी आएगा, अगला आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए, कि अगर आपसे कहा जाए इसी में सबसे सामान्य रूप से अगर पूछा जाए,
कौन सा होगा? अग्र स्वर नहीं है, कौन सा होगा इसमें? अग्र स्वर नहीं है। कमल, सभी लोग बताएं, ये यूपीएसआई का सबसे स्टैंडर्ड चैप्टर है, वर्णमाला का सबसे स्टैंडर्ड चैप्टर, वर्णमाला का सबसे टफेस्ट माने जाने वाला चैप्टर है, टफेस्ट चैप्टर में आता है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग संभल के आंसर दीजिए। कितने बजे चलता है सर? धनंजय प्रजापति जी, पर डे मेरी क्लास 10 से 11 रहती है, 10 से 11 AM पर डे मेरी क्लास चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमल वर्मा डी, रोहिणी जी डी, अमरजीत यादव डी, क्या आंसर इसका सही होगा? सभी लोग ध्यान दें, कह रहा है अग्र स्वर नहीं है। तो ये तीनों आप लोग ग्राफ में देख चुके हैं, ये तीनों यहाँ से ग्राफ फिर से दिखा देता हूँ। इस ग्राफ को आप लोग एकदम दिमाग बैठा लीजिए। इस ग्राफ को दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन मित्रों जरूर रहेगा, 110% रहेगा, डी होगा। इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गोलाकार होते हैं, ये गोल होते हैं, ये गोल नहीं होते हैं। ये ट्रिक है, अवर्तुल वर्तुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हर समय आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये हर समय आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये चैप्टर अनिवार्य था, इसीलिए हम इसको रिपीटेड करा दिए, आप लोगों से क्वेश्चन करा। 40 में 40 मारूंगा गुरुदेव जी, बिल्कुल आपका 40 में 40 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों से मान लो सिंपल में अगर पूछ दिया जाए, बहुत सामान्य में, अग्र विपरीत स्वर है, ए आए बड़ी ई कोई नहीं, जल्दी आंसर दें, जल्दी आंसर दें। अग्र विपरीत स्वर है, धनंजय प्रजापति जी, कांग्रेचुलेशन कमाल भाई, रोहिणी जी, बिल्कुल सभी लोग ध्यान दें। इस क्वेश्चन का आंसर लाजवाब तरीके से दीजिए। अग्र विपरीत स्वर है, कौन सा स्वर अग्र विपरीत होगा इसमें? यूपीएसआई के सबसे टफेस्ट चैप्टर में आता है, ये सर्वाधिक टफेस्ट चैप्टरों में आता है वर्णमाला का। और आप लोग अघोष सघोष देख लिए, अल्पप्राण महाप्राण देख लिए, इसमें क्या होगा? लाइक और सब्सक्राइब करिए भाई साहब। बिल्कुल धनंजय प्रजापति जी, एकदम सही कह रहे हो धनंजय जी, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। अमरजीत यादव, देखिए एकदम सही आप लोग बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि आपने अभी देखा, अभी आपने ग्राफ में देखा, ये जो हमने ग्राफ बनाया था ये आपको देखिए, यहाँ पर कोई है इस ग्राफ में? यहाँ चेक करिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यही तो पूछा है, अग्र विपरीत स्वर, अग्र विपरीत स्वर में देखिए, अग्र विपरीत स्वर में यहाँ 0 दिखाया हूँ, कुछ भी नहीं है। अग्र विपरीत स्वर में क्या होगा? कोई नहीं। सुशील यादव जी, प्रशांत जी डी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, शानदार तरीके से। अगले ही क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, सिंपल और सामान्य रूप से अगर आपसे पूछ दे जाएगा, यशोधरा वैदेही वनवास, साहित्य का क्वेश्चन लास्ट है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अभी आया था, साहित्य का क्वेश्चन है, वैदेही वनवास यूपीएसआई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और यूपीपी में भी पूछा गया है, और सुपर टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आंसर है गुप्त, बी हरियोद, हरियोद, सी हजारी प्रसाद,
द्विवेदी और डी इसके हैं प्रसाद। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है। सब लोग लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक साहित्य का भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। जितने लोग वाचिंग हैं सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फास्ट आंसर सक्सेस पावर। कमल जी बी, किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? कमल वर्मा बी। और लोग भी आंसर दीजिए भाई। क्या आप लोगों को एसआई का क्वेश्चन नहीं देना है? एसआई का पेपर आप लोगों को नहीं देना है? यहां से क्वेश्चन बनता है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन। हरिओत जी की कई बार आंसर ये सब पूछे जा चुके हैं। बी आंसर अमरजीत यादव। आप लोग सोचते हैं वाचिंग नहीं, वाचिंग के साथ साथ मित्रों आंसर दीजिए, तब टीचर के अंदर कुछ नया करने का आएगा, कुछ नया प्रश्न लेके आएगा। ये आपके लिए मैंने नया प्रश्न लेके आया है, कई पुराना प्रश्न नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मैंने पहले बताया यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी पी में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है। तो अच्छा आंसर है, आंसर देने का प्रयास करिए। सचेंद्र यादव, अमरजीत यादव, बिल्कुल जितने लोग हैं आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये रचना याद आ जाएगी कि हमारी ये गलत हुई थी कि सही हुई थी। रोहिणी सिंह जी भी, सभी लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से आंसर रहा। और इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा हरियोद। हरियोद, हरियोद का पूरा नाम क्या था? अविद्या सिंह उपाध्याय हरियोद। इनको पूरा नाम क्या था? अविद्या सिंह उपाध्याय। अविद्या सिंह उपाध्याय हरियोद। अगला एक बहुत एक लाजवाब क्वेश्चन और बोल देते हैं लास्ट में। एक लास्ट क्वेश्चन और है, रसीदी टिकट। ये जीएस में भी पूछता है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? जीएस में भी आता है, किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तिलक जी की, ऑप्शन बी एनी बेसेंट जी की, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम जी की, ऑप्शन डी सुभद्रा चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान, किसकी रचना है ये? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? कमल वर्मा, बहुत ही कमल की अच्छी तैयारी जा रही है। और लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। जितने लोग हैं, साहित्य का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दिया हूँ, रसीदी टिकट किसकी रचना है? ये जीएस में भी पूछता है, जीएस में भी आपके ये क्वेश्चन आता है। सभी लोग ध्यान दें, रसीदी टिकट किसकी रचना है? कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मित्रों। ये आपके जीएस में भी आता है, जीएस का भी एक क्वेश्चन बनता है, जीएस का भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। अमृता प्रीतम, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का आंसर आया। इसके राइट आंसर कौन से होंगे? अमृता प्रीतम का यह जीवनी है, अमृता प्रीतम जी का यह आत्मकथा लिखित रचना है, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का। इसी तरीके से आप सभी लोगों का बहुत सही आंसर था, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरीके से क्लास को और शेयर करिए यार, लाइक बढ़ाइए। जो नए लोग हों सब्सक्राइब करिए। सक्सेस पावर को सक्सेस की तरफ ले चलिए भाई। आप टीचर अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ लगा है, आप सक्सेस पावर में आप लोग जुड़े हैं। तो चूंकि ऑनलाइन का थोड़ा सा ट्रेंड अलग है, तो आपके सहयोग से, हमारे मेहनत से ये चैनल बूम कर जाएगा।
आपके सहयोग से, मेरे मेहनत से ये चैनल बूम कर जाएगा। परवीर सर सक्सेस के एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको वन मैन आर्मी कहा जा सकता है। प्रवीण सर इज द बेस्ट टीचर। तो सभी लोग, सब लोग मिलके आए, रवि भरद्वाज सर, राहुल सर, भीम सर, मैं जोशीला सत्यप्रकाश, पूरी एक टीम आपके साथ लगी है निःशुल्क एसआई में। तो आप लोग पूरी निष्ठा के साथ भाई ये सब करिए, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछो कमल जी, फिर पूछेंगे। कमल वर्मा धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया सर, बिल्कुल हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।